नमस्ते छात्रगण, कैसे हैं आप सब। आपने कक्षा 6 विषय हिंदी में इकाई 2 अनूठे इंसान का पहला प्रसंग यानी कि पहली कहानी एक था नेपोलियन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उसकी कहानी को सुना होगा, नेपोलियन के बारे में आपने जाना होगा। आशा रखती हूँ कि आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, वह है इकाई 2 में कहानी 2 यानी कि भाग 2, जिसका नाम है सच्चा दान। आप लोगों ने शायद अपनी किताब में यह कहानी पढ़ी होगी, जो एक कौमुदी नाम की लड़की की कहानी है। लेकिन छात्रगण, आपको यहाँ पे दान शब्द देखकर कुछ याद आया होगा। जब दान की बात आती है ना, तब हम सबसे पहले किसे याद करते हैं, याद कीजिए, वह है दानवीर कर्ण को। दानवीर कर्ण कौन था, आप सभी को शायद पता होगा। महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा दानवीर कर्ण के बारे में। कुंती का एक पुत्र था, वह था दानवीर कर्ण, जो एक सारथी के यहाँ उसका पालन पोषण होता है। उसके पास बहुत सारे रुपये नहीं थे, लेकिन उसका एक नियम था कि सबसे पहले सुबह को जो याचक उसके पास आता है, उसे वह जो भी मांगता है वह देते हैं। तो ऐसा था कर्ण। इसी के कारण जब महाभारत का युद्ध होता है, तब कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र कर्ण के पास जाता है और उसका कवच और कुंडल दोनों मांगता है। कवच और कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही मिले थे, यदि यह कवच और कुंडल कर्ण के पास होता तो अर्जुन शायद कर्ण को नहीं मार पाता। इसलिए देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगते हैं और कर्ण उसे दान में दे देते हैं। इसलिए जब दानवीरों की बात आती है ना, तब सबसे पहले जो नाम आता है वह है दानवीर कर्ण का। लेकिन मैं इस कहानी को, सच्चा दान कहानी को सुनाने से पहले आपको कर्ण की एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। मैंने कई सारे छात्रों से बात की तो उन्होंने बोला कि मैम, वो नेपोलियन की कहानी आपने सबसे पहले सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आई। इसलिए आज मैं पहले दान के विषय में दानवीर कर्ण की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ और बाद में हम इस इकाई का भाग 2 प्रसंग 2 उसका अभ्यास करेंगे। कृष्ण को दानवीर कर्ण पर बड़ा ही अभिमान था। वह हमेशा कर्ण को महादानी कहा करते थे। जो बात अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह बार बार कहता था कि आप कर्ण की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुई और लगातार 5 दिनों तक बारिश चलती ही रही, जिसके कारण सारे नगर में पानी ही पानी भर गया। वैसे में एक ब्राह्मण अर्जुन के भवन में, अर्जुन के महल में दाखिल होता है और कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मुझे चंदन की लकड़ियाँ अंतिम संस्कार के लिए चाहिए। लेकिन अर्जुन उन्हें कहता है कि आप तो जानते हैं कि बारिश के कारण अभी चंदन की लकड़ियाँ मिलना तो मुश्किल है। सूखी लकड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप उनका उपयोग कर लीजिए। लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता। वह जाने के लिए, निकलने के लिए महल में से बाहर जाता है, तब कृष्ण उसे रोकते हुए कहता है कि एक ही जगह से तुम्हें वह चंदन की लकड़ियाँ मिल जाएगी और वह है अंग देश के राजा कर्ण के पास से। लेकिन तुम्हें प्रातःकाल सबसे पहले याचक बन के जाना है, तो कर्ण तुम्हें यह लकड़ियाँ दे देगा। वह ब्राह्मण नमस्कार करके, वंदन करके वहाँ से निकलता है। तब अर्जुन कृष्ण से कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, कर्ण से तो ज़्यादा संपत्ति धन मेरे पास है। यदि मैं इस बारिश में चंदन की लकड़ियाँ नहीं ला सकता तो वह कैसे लाएगा। लेकिन कृष्ण कहता है कि मुझे पता है कि कर्ण वह लकड़ियाँ ला देगा, और यदि उसने उस लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कर दी, तो आज से मैं कर्ण का दानवीर, महादानी ऐसा कहना छोड़ दूंगा।
वह ब्राह्मण कर्ण के महल में जाता है सबसे पहला याचक बन के। तब वह नमस्कार करता है और कर्ण को चंदन की लकड़ियों के बारे में बताता है। कर्ण कहता है कि इस बारिश में चंदन की लकड़ियाँ मिलना तो असंभव है, लेकिन वह तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है कि मेरे महल में वह बड़े बड़े चंदन के थंभे लगे हुए हैं और उस थंभों को उखाड़ लाओ और इस ब्राह्मण को दे दो, जिससे ब्राह्मण खुश हो जाता है और चंदन की लकड़ियाँ लेकर निकल जाता है। तब यह घटना सुनकर अर्जुन बड़ा ही पछताता है। उसे बहुत ही पछतावा होता है कि ये तो मैं भी कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण तब उसे एक वाक्य कहता है, वह बड़ा ही अच्छा है, कि यदि दान देना हो ना तभी धन संपत्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वह इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन खास ज़रूरी होता है। वह क्या होता है? वह है दान देने की इच्छा, वह सबसे आवश्यक चीज़ है। यहाँ पे हमें यही बात की गई है कि एक लड़की है जो गांधी जी जब आज़ादी की ऐसी लड़त चल रही थी, सत्याग्रह चल रहा था, तब वह गांधी जी जगह जगह पर जाकर सभी से दान मांगते थे, खास करके महिलाओं से उसके जेवर की मांग करते थे। एक केरल का एक प्रांत है जिसका नाम है मालबार। वहाँ पे एक बड़गरा नाम का एक छोटा सा गांव है। वह छोटे से गांव में जाकर गांधी जी अपना भाषण देते हैं और भाषण समाप्त करने के बाद गांधी जी सभी महिलाओं से उनके जेवर की मांग करते हैं। लेकिन सभी महिलाएं जेवर दे देती हैं, लेकिन एक 16 वर्ष की आयु की एक छोटी सी लड़की वह मंच पर आती है और गांधी जी से आकर अपने हाथ की एक चूड़ी उतार कर गांधी जी के सामने रखती है और गांधी जी से कहती है कि आप क्या मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। यह सुनकर गांधी जी उसे हस्ताक्षर दे ही रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी गांधी जी के सामने रख दी। तब गांधी जी कौमुदी से कहते हैं कि अरे, तू यदि एक चूड़ी देगी तो भी मैं अपना हस्ताक्षर दे दूंगा, इसके लिए दूसरी चूड़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि इतना गांधी जी कहते हैं तभी तो उस लड़की ने अपने सोने का जो हार है वह भी उतार दिया। तब गांधी जी कौमुदी से कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता से इसकी आज्ञा ली है। यदि गांधी जी अभी ये कह ही रहे थे कि उसने अपने कानों के रत्न झड़ित बूंदे झुमके भी उतार दिए, गांधी जी ने फिर से उसे पूछा कि क्या तुमने अपने माता पिता से यह दान देने की आज्ञा ली है। तभी किसी ने बताया कि इसके पिता तो यहीं पर है और जो मानपत्र यानी कि आदर देने वाले जो पत्र होते हैं वो मानपत्रों की जो नीलामी कर रहे हैं वह उन्हीं के पिता हैं और वह आपके कार्य में ही सहायता कर रहे हैं। गांधी जी ने उस लड़की यानी कि कौमुदी को अपने हस्ताक्षर दिए और नीचे एक सुंदर वाक्य लिखा और वह सुंदर वाक्य यह था कि तुम्हारे इन आभूषणों के से आपकी अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। इसलिए कहा जाता है ना कि देश प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। यह थी कौमुदी की एक छोटी सी कहानी जो हमें देश प्रेम की सीख तो देती ही है, लेकिन यदि हमें कुछ दान देना है तो उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता। उसे पता था उस लड़की को कि जो आभूषण वो दे रही है वह भविष्य में वह शायद ना भी बनवा पाए, लेकिन वह त्याग को ही सच्चा आभूषण मानती है और वह देश प्रेम के लिए अपने सारे आभूषणों को त्याग कर देती है। छात्रगण, यह थी हमारी कहानी। एक था अनूठे इंसान में कहानी नंबर 2 जिसका नाम था सच्चा दान। अब हम चित्र के माध्यम से इस कहानी को दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा सुनते हैं। एक एक चित्र आता जाएगा, एक एक लाइन में आपको समझाती जाऊंगी और आशा रखती हूँ कि आप सबको यह कहानी भी बहुत पसंद आएगी जैसे पहले कहानी पसंद आई थी। तो चलो पढ़ते हैं हम कहानी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद एवं माता का नाम पुतलीबाई था।
तथा उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तब उन्हें वहाँ रंग भेद का सामना करना पड़ा। उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बाद में वह भारत लौटे और भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन किए। उन्हें इसके कारण कई बार जेल में भी जाना पड़ा। देश सेवा के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए केरल के मालबार प्रांत के बडगरा गांव में सभा का आयोजन किया गया था। उसी की कहानी हमें यहाँ दी गई है। तो चलो अब हम इस कहानी का अभ्यास करते हैं। मालबार केरल की बात है। वहाँ बडगरा गांव नामक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ बडगरा नाम का एक गांव था जहाँ पे गांधी जी की सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली और गांधी जी के सामने थी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ती है। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और गांधी जी के सामने रखती है। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, कौमुदी ने गांधी जी से कहा। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ही चूड़ी लेकर ही अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। इनके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार दिया। गांधी जी ने कौमुदी से पूछा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तब बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल कर गांधी जी के सामने रख दिए। आभूषणों के देने के लिए तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना, गांधी जी फिर से पूछते हैं। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने गांधी जी से कहा कि इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी सहायता कर रहे हैं, लगाकर वह आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद फिर तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद एक सुंदर वाक्य लिखा और वह था कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सचमुच देश प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। छात्रगण, आपको मज़ा आया ना कहानी सुनने में? तो आपको यह कहानी दो बार सुननी है, उसको समझनी है और उसके उत्तर को आपको याद रखना है। अब जो कसौटी आएगी उसमें एक और दो पार्ट आपको पूछे जाने वाले हैं, इसलिए स्वापोथी की PDF मैं आपको भेज दूंगी, वह आपको स्वापोथी में लिखना है। और आशा रखती हूँ कि यह कहानी भी आपको बड़ी ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट अगले इकाई में। थैंक यू सो मच।